फायर ब्रेक द सिल्वर ड्रैगन ये मूवी जो है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इस मूवी की जो है लेंथ है 1 घंटे 33 मिनट है। इस मूवी में जो है जो ड्रैगन है जो कि सिल्वर ड्रैगन होता है उसका जो है लीड रोल है, जबकि बाकी मूवीज में आपने देखा होगा कि जो है ह्यूमन का लीड रोल होता है, लेकिन इसमें जो है पहला रोल जो है एक ड्रैगन का होता है और इसके बाद जो है एक ब्राउनी होता है जो कि फॉक्स जैसा दिखता है, ठीक है, और इसके बाद एक लड़का होता है, ठीक है, और इसका लड़का का नाम बेन होता है और जो है ड्रैगन का नाम फायर ड्रेक होता है और जो फॉक्स जैसा करेक्टर है उसका नाम जो है सॉरेल होता है, ठीक है। तीनों का जो है मेन रोल है, लेकिन इसमें जो है एक विलन होता है जिसका नाम होता है नेटल ब्रेंड जो कि गोड से बनाया हुआ एक ड्रैगन जैसा ही एक मतलब किलर होता है जो कि ड्रैगन्स को मारता है, उसको ह्यूमन ने बनाया हुआ होता है ड्रैगन्स को मारने के लिए, लेकिन वो जो है मार सारे मतलब ड्रैगन्स को मार दिया होता है लगभग में, लेकिन जो है छुपे हुए ड्रैगन होते हैं वो जंगल में रहते हैं, ठीक है, उनको जो है जंगल के काटने की वजह से जो है जगह कम होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो सिल्वर ड्रैगन है वो निकलता है खोजने के लिए। तो हिमालय में जो है एक जगह होता है जहाँ पर मतलब कि एक सुरक्षित इलाका होता है इनको रहने के लिए, मतलब जो हमारे ड्रैगन हैं उनके, तो इसमें जो है वहाँ पर जाते हैं तो हिमालय में, ठीक है, हिमालय में इंडियन करेक्टर को दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें जो है आपको मतलब जिन और जो है कि पौने और राक्षस ऐसे कई करेक्टर दिखाए गए और कई ह्यूमन करेक्टर्स भी दिखाए गए। और इसमें जो है सीन जो है जंगल का, रेगिस्तान का, सिटी का, मतलब कई तरह के मतलब जगहों पर जाते हैं और वहाँ का सीन भी दिखाया गया, मतलब आपको एडवेंचर भी इस मूवी में काफ़ी है, फाइट भी है, मतलब कुल मिलाकर काफ़ी बढ़िया मूवी है, मुझे काफ़ी पसंद आई और रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। आपको भी ये मूवी जरूर से देखनी चाहिए, मूवी काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी अच्छी है।